मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा किशनगंज पहुंची और यहां मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का जायजा लिया, फिर रेशम धागा उत्पादन केंद्र और कपड़ा बुनाई केंद्र को देखने पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, पुस्तकालय और तालाब की सौगात दी, जीविका दीदियों से भी बात की और इस दौरान सीएम ने कहा कि हर काम को देख रहे हैं, जहां भी कमी है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। किशनगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, रेशम उद्योग देख गदगद हुए सरकार, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की सौगात। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा किशनगंज पहुंची। किशनगंज के खगड़ा हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम सड़क मार्ग से भेड़िया डांगी गांव पहुंचे, यहां लोगों से मुलाकात की, विकास योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा रेशम धागा उत्पाद केंद्र और कपड़ा बुनाई का निरीक्षण करने पहुंच गए। रेशम धागा उत्पादन केंद्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने सभी काम को बारीकी से देखा। यहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से रेशम उद्योग को लेकर जानकारी ली। महिलाओं को सशक्त होता देख सीएम गदगद दिखे, साफ लहजे में बोले, आने वाले दिनों में आपकी आय और संख्या दोनों बढ़ानी है। अब आप जान रहे हैं ना, अब संख्या हम लोगों की बढ़ करके हो गई 10 लाख से भी ज्यादा, और जो हमने जीविका दीदियां आपका नामकरण कराया है तो आप जान रहे हैं अब उनकी संख्या हो गई आप लोगों की पूरे बिहार में 1,30,00,000 से ज्यादा जीविका दीदियां हो गई। अब आप समझ लीजिए कितना बढ़ रहा, मेरी इच्छा तो इसको और बढ़ाने की है, जो हम 10 लाख किए थे अब 10 लाख से आगे बढ़ गया, हमारी इच्छा तो और ज्यादा है। रेशम धागा उत्पादन केंद्र और कपड़ा बुनाई का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री प्राथमिक विद्यालय भेड़िया डांगी पहुंचे, यहां लोगों की समस्याएं सुनी और इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोचा धामन प्रखंड के पंचायत सरकार भवन के लिए रवाना हो गए। देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन में पुस्तकालय की सौगात दी, वहीं नवनिर्मित सार्वजनिक तालाब का उद्घाटन किया। सबसे अच्छी बात है कि यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। तोहफा दिया आपने, एक बड़ा तोहफा आपने किशनगंज को। देखिए, आप लोगों को तो पता ही है ना कि मेरा ये जो है इस बार की यात्रा जो है, तो इसका मकसद यही है कि जितना काम किया गया है, जो योजना बनाई गई और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ उसको देखना और आगे और क्या करना चाहिए उसको समझना, कहीं कोई कमी है तो उसको देखना, और इस सिलसिले में बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं तो उनकी कोई समस्या को सुनते हैं। स्कूल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट अशोक भवन खगड़ा के लिए रवाना हो गए। खगड़ा में जीविका दीदियों के साथ संवाद के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके साथ ही किशनगंज में समाधान यात्रा सम्पन्न हो गई।